ओम शांति। मुरली का तारीख है 25/5/2019। मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। प्रश्न, खुदाई किदमतकार बनने के लिए कौन सी एक चिंता चाहिए? उत्तर, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का चिंता चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते। बाप अकेला क्या करेगा, इसीलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। या तो जरूर बच्चे समझते हैं हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते, तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाबा की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं, तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना? बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार, विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख तोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। या लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे। तब भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते, शिव बाबा की पूजा करते हैं। वहां कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि यहाँ ज्ञान सुनाने वाला बाप है। कृष्ण के लिए समझते हैं, उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते तो यह पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी। जब तक बाप आए, तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर, सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा जाता है सत्य। नरसे नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं। अब नरसे नारायण बनना है तो जरूर सत्युग स्थापन करेंगे ना? पुरानी दुनिया कलयुग तोड़े ही बनेगी। कथा सुनते समय या कोई को बुद्धि में नहीं होता है कि हम नरसे नारायण बनेंगे।
अभी तुमको नरसे नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं, या भी कोई नई बात नहीं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ, युगे युगे कैसे आऊंगा, ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो, या रथ है या है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब यहाँ भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं, सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता। विकर्म विनाश हो ना सके, पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। यह है योग अग्नि, पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली, तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए है, शास्त्र भी बहुत पढ़े इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन इससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं, तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है, तो पाप कर बता देने चाहिए तो हल्का हो जाएगा। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ करना है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। यह बातें तुम अभी सुनते हो, सत्युग में यह बातें कोई सुना ना सके। यह सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड यह सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। फिर तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बढ़ाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कोई समझते नहीं। कहते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं, यो कोई और बात नहीं, यहाँ है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसी को कहा, तुम 22 हो, तो बस वहां समझने लगा, मैं तो 22 हूं, इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं 22 हूं। कैसे निकलो? सचमुच जैसे 22 बन गया। या एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं, या कोई यथार्थ मिसाल नहीं है। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं, उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मालखड़े आदि होते हैं। बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, मेले मालखड़े में तो कितने मैले होते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाते हैं। बाबा का खुद यहां सब किया हुआ है,
नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन, मोटर आदि थे नहीं। 100-150 वर्ष में क्या क्या बन गया है, सत्युग आदि में या साइंस आदि काम में आती है। वहां तो महल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। जैसे या मिट्टी की ईंटें बनती है, वहां सोने की होती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। या तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए दिखाने के लिए, बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें, उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज, इसको कहा जाता है आयरन एज। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उनों के कायम है, कहते भी हैं आदि सनातन धर्म, फिर हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि विकारी है तो देवता कैसे कहे। तुम कहा भी जाते हो तो यहां समझाते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर, बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर है। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। या ज्ञान भी अभी है वहां, या ज्ञान नहीं रहता, संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। या तुमको अभी मालूम पड़ा है, जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शुबाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे, इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ बैच बहुत अच्छा है। यहाँ जरूर पढ़ा हो, घर घर में मैसेज देना है कि कोई माने या ना माने, विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर जिनों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे कि यहाँ सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। या सब बातें बाप इनमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वहां तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है। फिर जो पार्ट मिला है वहां सुख का पार्ट बजाते हैं और यहाँ नॉलेज भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो
मैसेंजर की निशानी है या बैच साथ में जरूर चाहिए, बल कोई हंसी करे। इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। या बेहद का बाप है, इनका नाम है शुबाबा, वहां कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। या है पुरुषोत्तम संगम युग, या सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर बोलना क्यों चाहिए, बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है, शांति दाम और सुख दाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए। ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती, क्या धारणा नहीं की है। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए, मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं, कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूं। सारे बेहद के बच्चे याद में रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है, इससे ही तुम पावन बनते हो। सारे विश्व को पावन बनाने में तुम अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है, तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाए, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेगा, मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, तो पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग बल होगा वहां समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है, मददगार बच्चे भी चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार। निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की, गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ। अब वहां अकेला क्या करेगा, खिदमतकार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। या नशा चढ़ना चाहिए, या है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। या भी समझते हो शुबाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का फुरना है, पुरुषार्थ करना है, दंदा आदि करते भी
की यात्रा रहे। यौवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ बोलना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते या क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते बुद्धियोग बाप की याद में रहे बहुत सहज है। वहां तो समझते हो 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं या वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है? कल्प पहले भी ऐसे हुआ था जो अब भी रिपीट हो रहा है। या रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वहां बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर यहाँ शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापिस घर जाना है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात नहीं, यहां या दुख दाम है, पुराने शरीर है। तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापिस अपने घर जाए। बाप को निरंतर याद करना है। वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूं। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट मुरली सुनकर फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है या सदा लगाकर रखना है। सेकंड पॉइंट विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का ज्ञान का गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए काली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। सेकंड पॉइंट दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी रुचि के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। स्लोगन जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अच्छा ओम शांति।